और राजा बलि भगवान ने आशीर्वाद दिया, भैया बलि आपको पाताल लोक में जाकर वास करना नहीं पड़ेगा। उदार भगवान ने राजा बलि का उद्धार किया। आपने नाम सुना होगा ऋषि कर्दम। ऋषि कर्दम ने 125 बरस तपस्या करी और 125 बरस तपस्या करने के बाद ब्रह्मा विष्णु महादेव ऋषि कर्दम की समाधि पहुंचे और कहा, ऋषि कर्दम संसार ने जो मांगा है हमने वो ही दिया है, लेकिन आज हम तुमसे मांगते हैं। ऋषि कर्दम ने कहा, प्रभु आप संसार को देते हो, मैं आपको क्या दे सकूंगा। ऋषि कर्दम ने कहा, तो उदार तीनों देवताओं ने कहा, ऋषि कर्दम आज तक तुमने साध सभी ने आज तक शादी करी, विवाह किया, लेकिन तुमने शादी नहीं करी। जब आप शादी नहीं करोगे तो कोई सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी, विवाह तो करना ही पड़ेगा। शादी का नाम लिया, ऋषि कर्दम की आंखों में आंसू आ गए और कहा, प्रभु क्षमा कर, मन को विश्वास नहीं होता कि गृहस्थ आश्रम में पड़ गया तो भगवान का भजन ध्यान बिल्कुल ही भूल जाओ, ये मेरे मन में विश्वास नहीं होता। तीनों देवताओं ने कहा, ऋषि कर्दम आप शादी नहीं करोगे तो आपका समाज में सम्मान नहीं होगा, क्योंकि समाज में सम्मान गृहस्थी का होता है, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम होता है और सभी ने आज तक अपना विवाह किया है, लेकिन तुमने शादी नहीं करी, आप शादी नहीं करोगे तो आपका सम्मान नहीं होगा। और आज ऋषि कर्दम को तीनों देवता समझा रहे हैं, ऋषि कर्दम विवाह तो करना ही पड़ेगा। यो बोले रघुवर सा, यो बोले रघुवर सा, करे दमे तमे करे लो ब्याह। आरे शादी आ फल की खाने
बताया यो बोले।